हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। सो भाई, हमने फाइनली सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर दी है यार। तो ये वाले वीडियो में मैंने जो बिल्ड्स बनाए उसे देखने के लिए भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना यार, क्योंकि तभी वीडियो देखने का असली मजा आएगा ना यार। तो चलिए शुरू करते हैं। दिमाग खराब हो जाएगा मैं। ओके, तो भाई साहब स्पॉन तो बहुत अच्छा मिला यार जंगल बायोम में। तो मुझे ये वुड भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते, तो मैं ना भाई सबसे पहले वुड ही तोड़ लेता यार, क्योंकि सारे प्लेयर वही करते हैं यार, तो मैं भी वही करूंगा ना, और इसी से तो सर्वाइवल स्टार्ट होता है यार। ओके, तो हमने भाई 6 लोग तोड़ लिए। अब इसका बनाते हैं भाई, सबसे पहले प्लैंक बनाते हैं यार, क्योंकि प्लैंक बनाएंगे तो उसके बाद ये क्राफ्टिंग टेबल बनेगा ना। तो ये रहा क्राफ्टिंग टेबल, और थोड़ी बहुत स्टिक्स बना लेते हैं यार, 12 स्टिक बना लेता हूँ मैं। और यहाँ पे रख के सबसे पहले बना तू पिकैक्स, नहीं पिकैक्स नहीं भाई, एक्स बनाऊंगा, क्योंकि वुड तोड़ना है मेरे को। तो चलो भाई, कम से कम 13 ब्लॉक तो ले लिए मैंने। और ये क्या है, पहाड़ में जाए। खैर भाई, यहाँ पे इसका सबसे पहले ये प्लैंक्स में कन्वर्ट करते हैं। और भाई ऑलमोस्ट 64, यानी कि एक स्टैक बन ही गया था यार, मतलब ये कहाँ गायब हो गया यार। खैर भाई, पेकेज वगैरह बना ली मैंने, और यहाँ से भाई निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई हमें स्टोन में कन्वर्ट होना है। तो अच्छा, ये तो बेकार स्टोन है भाई। तो भैया मैं स्टोन तोड़ते तोड़ते मिलता हूँ यार आप लोगों से। ये बना ली स्टोन की पिकैक्स। ये बन गई स्टोन स्वॉर्ड, ये बन गई एक एक, और साथ में सोल भी बना लेता हूँ, और एक और पिकेक्स बना लेता हूँ यार। तो भैया काफी ज्यादा घूमने घामने के बाद में भाई यहाँ पे पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ यार, क्योंकि मुझे प्लेन्स बायोम भी देखने थे, और मुझे कोल वगैरह भी चाहिए था। तो पहाड़ों में कोल आसानी से मिल जाता है ना, तो यहाँ पे मैं देख रहा था और मुझे प्लेन्स बायोम भी दिख गई। और ये झरना देखो भाई साहब, भाई ये पैक क्या ही मस्त है यार, मतलब क्या ही बोलो यार मैं। और सूरज भी बहुत अच्छा दिख रहा है यार, मतलब ठीक ठाक पे यार, मस्त है। और यहाँ पे भाई कोल भी दिख गया मेरे को। तो भैया सबसे पहले कोल तोड़ते हैं, खाना वाना बनाते हैं यार। ये तोड़ लिया हमने सारा कोल, और यहाँ से निकलते हैं अब यहाँ से। अबे इसकी भैंस की, ये सर में उड़ रहा है यार। खैर भाई साहब, यहाँ पे भाई देखना पड़ेगा अपनी जगह भाई, अपना घर बनाने के लिए। और मुझे भाई मिल भी गई यार, ये देखो सामने भाई, ये तो भाई नेचुरली स्पॉन हुआ यार, ये तो बेस्ट जगह है यार घर बनाने के लिए, बिल्कुल फ्लैट वाले। भाई यहीं पे घर बनाऊंगा मैं अपना। तो भैया आ गया मैं पहाड़ के नीचे, और ये जगह फाइनल है यार अपना घर बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये फर्नेस रख देता हूँ मैं, और साथ में क्राफ्टिंग टेबल भी रखना पड़ेगा, तो वो भी नीचे ले लेता हूँ। ये आ गया स्टोन, लग गया गलती से। ये आ गया फर्नेस, और ये आ गया भाई हमारा क्राफ्टिंग टेबल, और ये भाई हमारा घर तैयार। मजा कर रहा हूँ भाई, अपना घर बनाऊंगा मैं सबसे पहले। खैर यहाँ पे भाई, ये सबसे पहले भाई खाना वाना पकाता हूँ मैं, और यहाँ पे एक और बना देता हूँ, ताकि भाई मैं और जल्दी खाना पका पाऊँ ना यार। तो इसे लगा देती इसके बगल में। अबे ये तो गलत लग गया, इसकी भैंस की, आ जा ये यहाँ। अबे भाई, अरे यार ये अंगूठे बड़े ना मेरे, मैं क्या ही बोलूँ यार। फिर भाई खाना पकाने में लगा देते हैं, और मुझे लगता है भाई यहाँ पे मुझे केव वगैरह ढूंढनी पड़ेगी यार, क्योंकि मुझे आयरन वगैरह और कोल वगैरह और ज्यादा चाहिए, ताकि मैं भाई स्टोन वगैरह पका पाऊँ और अपना घर बना पाऊँ ना। भाई केव ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब होगी यार, लेकिन केव मिली ही ना। अरे भाई साहब विलेज, अरे यार ये पहाड़ के उस तरफ तो भाई मेरे घर बनाने वाला हूँ मैं, और इस साइड मुझे ये विलेज मिल गया। तो भाई ये तो काफी अच्छी जगह मिल गई यार, मैं देखो मतलब काफी अच्छी जगह विलेज मिल गया। और ये माइनक्राफ्ट, माइनक्राफ्ट नहीं भाई, ये तो केव है। खैर भाई यहाँ पे भाई इन लोगों को सबसे पहले लूटते यार, और मजे लेते भाई इनके। ये इस विलेज की पहली चेस्ट, दूसरी चेस्ट, तीसरी चेस्ट, चौथी चेस्ट, और भाई इतनी चेस्ट लूटने के बाद रात भी हो गई, तो यहीं पे सो जाते हैं यार। ये साला विलेजर के बीच में, विलेजर के घर के अंदर सोना पड़ रहा है, भैंस के टांग बहुत बदबू आ रही है इन लोगों से। तो मेरे को लगता है भाई बेड तोड़ के भाग जाओ यार यहाँ से, इनका भाई पता नहीं यार, ये मुंह पे हक दे भाई। और ये है इस विलेज की सबसे लास्ट चेस्ट, जिसे मैं लूट रहा हूँ यार। खैर भाई इस विलेज में भाई ये ब्लैक स्मिथ वगैरह नहीं था, तो भाई हमें आयरन वायरन कुछ नहीं मिला यार। और ये कुत्ते साले बहुत भौंक रहे हैं यार। अबे तुम्हारा मालिक किधर है? अबे पानी दिया तुम्हारे मालिक ने, खाना नहीं दिया, मैं दे दूँ खाना? ये लो, अब भाड़ में जाओ, मैं नहीं दे रहा खाना। सॉरी सॉरी गाइस, एक और चेस्ट रह गई थी यार, मतलब रह जाती यार एक आध बार, मतलब आयरन वगैरह दिख गया आयरन। इसकी भैंस की टांग, अबे नूबड़े नूबड़ा नहीं बोलूंगा भाई, ये उठा के पटक देगा भाई, उठा पटक देगा ये साला। ये ना भाई, ये विलेज का सबसे बड़ा पहलवान है भाई, ये आयरन गोलम साला पहलवान ही करता है, आयरन खाता है। ये ले भाई, तुम मर जा साले नूबड़े, नूबड़ा नूबड़ा तो नहीं बोलूंगा, अरे नूबड़ा कह सकते यार वैसे। चलो भाई ये खत्म हो गया, मर गया ये, चला जा भाई। हाँ अभी मर गया ये, और इसके पास से कितना आयरन मिला मेरे को,
ज्यादा से ज्यादा 3 में, और भाई साहब 4 4 आयरन, मतलब भाई मतलब क्या ही लक हुआ यार। मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 मिलता है, मुझे 4 मिल गया भाई। फिर उसके बाद मैं अपने ठिकाने पे आ गया, क्योंकि भाई मैंने पूरा विलेज तो लूट लिया था यार। अब यहाँ पे आके भाई मैं अपनी खुद की केव बनाऊंगा यार, मतलब पूरे मतलब स्ट्रीट माइनिंग करूंगा, पूरे नीचे तक डायमंड वायमंड लूंगा भाई, एक आध स्टैक डायमंड लूंगा। तो भाई मैं केव बना के मिलता हूँ आप लोगों से। और भाई इतना खोदते खोदते भाई रात भी पड़ गई यार, तो सो जाते यार बेड लगा के, ये लगाया बेड और ये जंप लगा के सो गया। अबे रात तो होने वाली यार, सुला दो यार माइनक्राफ्ट वालो ये। हाँ अभी सो गया ना ये। तो गाइस यार आप लोगों से मैं सुबह मिलता हूँ यार। अबे सुबह हो भी गई यार। फिर भाई यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह करता हूँ। अब मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं है, स्टोन ही पड़ा है, तो मैं मतलब डेकोरेशन वही उसी से ही करूँगा ना। मतलब मैं क्या ही बताया यार, मैं तुम्हें करके ही बताता हूँ यार। जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे दो थोड़ा, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा बीच में ये स्टोन, ताकि भाई ये थोड़ा मतलब एस्थेटिक टाइप लगे। अब एस्थेटिक बोलते कि क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं यार, लेकिन ये मतलब दिखने में अच्छा लगता है यार, डेकोरेशन टाइप लगता है थोड़ा बहुत। खैर भाई यहाँ पे मैंने डेकोरेशन पूरी कर ली, और ये देखो भाई साहब मेरे को तो भाई ये मतलब अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। भाई तुम लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है यार। खैर भाई अब भी अंदर घुसते हैं और मेन काम चालू करते हैं यार, खोदने का। तो तोड़ते तोड़ते भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ी केव मिल गई यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे आयरन वगैरह दिख भी गया यार। तो सबसे पहले भाई आयरन तोड़ते हैं, और ये कितना, अबे भाई 3 4 ही है, तो ये भी तोड़ लेता हूँ भाई। क्रीपर वीपर दिख रहे हैं मेरे को दूर दूर, क्योंकि मैंने नाइट विजन लगा रखा है ना यार, नाइट विजन पैक। तो भाई सबसे पहले ये कोल भी तोड़ते हैं यार, क्योंकि मतलब कोल तो चाहिए होगा यार, मतलब स्टोन वगैरह पकाने के लिए, ताकि मैं घर बना पाऊँ। तो स्टोन तोड़ने के बाद मिलता हूँ। तो मेरे हिसाब से भाई इतना कोल ठीक है यार, अब यहाँ से मैं निकल लेता हूँ, क्योंकि भाई ये जोम्बी वोम्बी मेरे पास आ रहे हैं, तो भाई खतरा होगा हमें। ये देखो भैंस की टांग साला, ये मकड़ी के ऊपर बैठ के आ रहा है ये हड्डी बड्डी साला। अबे यार घोड़ा बना रखा है यार मकड़ी को, साला स्पाइडर मैन की कोई इज्जत ही नहीं है। ये देखो ऊपर चढ़ रहा है। अबे ये कैसी आवाज़ आ रही है यार, ये कहाँ घुस गया भाई, ये तो आवाज़ आ रही है भाई इसकी। अबे भाई साहब ये कहाँ मर रहा है, ये शायद से मर भी गया। तो मैं भाई काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके फिर से नहीं चाहता, लेकिन भाई यहाँ पे जोम्बी मेरे पास आने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे भाई आइडिया लगाता हूँ कि एक ब्लॉक इधर लगाता हूँ, एक ब्लॉक इधर लगाता हूँ, और यहाँ से मैं इनको पे लूँगा यार। लेकिन लेकिन साला वो छुटका कर गया, भैंस की टांग इसकी, भैंस की यार ये, अबे मार देगा क्या भाई, अबे भागने दे भाई। और भैंस की टांग बज गया भाई मैं। और भाई यहाँ पे भाई मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग गया था, क्योंकि भाई मैंने हार्ड कोर मोड लगा रखा था ना, तो मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया, मुझे लगा भाई मेरा वर्ल्ड चला जाएगा। तो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन हार्ड कोर मोड ने भी भाई धोखा दे दिया हमें। खैर वो छुटकू कहाँ डर गया, इधर आ जा इधर आ जा। हाँ ये आ गया, इसकी भैंस की ये ले। अबे ये लग नहीं रहा है इसको, है अभी क्या क्या काला जादू करके आया क्या। अबे भाई ये लाल टोपी साला, गोल्डन टोपी, इसको पैक करता हूँ मैं, और अभी लेता हूँ इसको खोपचे में, अभी आएगा ना। ये आया, ये मर जा। और भाई साहब मर गया ये। ओ तू क्या देख रहा है उधर से नूबड़े। फिर मुझे लगता है भाई यहाँ से निकल जाना चाहिए मुझे। तो फिर भाई मैं वहाँ से आ गया भाई अपने ऊपर अपने अड्डे पे, और यहाँ पे आके भाई मैं ये स्मेल्ट वगैरह करने लग गया, ताकि भाई मुझे यहाँ पे ये जल्दी जल्दी मिल सके यार, ये आयरन का मतलब इंगट वगैरह। तो मैं और भी ज़्यादा बना लेता हूँ यार, मतलब और दो बना लेता हूँ मैं, और ताकि भाई 4 4 हो जाए और जल्दी जल्दी आयरन स्मेल्ट हो। ये बन गया हेलमेट, ये बन गई चेस्ट प्लेट, ये बन गया चड्डा, और ये बन गया हमारे जूते। तो भाई हमारी पहली सक्सेसफुली भाई यहाँ पे मैंने आयरन आर्मर बना लिया अपनी पहली सर्वाइव सीरीज में, तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। और यहाँ पे मेरे को लगता है स्टूल वगैरह भी लेने पड़ेंगे मेरे को, और ये शील्ड भी मेरे को बहुत ज़्यादा काम आएगी यार। घर बनाने के लिए जो लकड़ियाँ चाहिए ना, उसके लिए मैं आ गया भाई अपने स्पॉन पॉइंट के आसपास, क्योंकि भाई यहाँ पे ये वाली बायोम थी, तो यहाँ से मैं कुछ ज़्यादा ही लकड़ियाँ तोड़ लिए मैंने, अब मतलब जंगल खाली कर दिया मैंने। और यहाँ से भाई मैंने नॉर्मल लकड़ियाँ भी ले ली, जिसके कारण भाई ये जगह भी थोड़ी बहुत खाली हो गई। तो भाई यहाँ पे भी दिखाता हूँ भाई ये कितनी ज़्यादा वुड लिया मैंने, ये देखो भाई सब, लगता है भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही वुड तोड़ लिया यार। लेकिन ठीक है भाई, इतनी तो काम आ ही जाएगी मेरे ख्याल से। भाई आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बता देना। तो भैया घर पहुंचते ही भाई सब रात हो गई यार, तो यहाँ पे भाई सो जाता है यार बेड लगा के। और अभी जो होता है मेरे साथ में, भैंस की टांग, पिलेजर्स कहाँ से आ गए भाई। अबे वो बच्चा दौड़ के आ रहा है मेरे पास, ये बच्चा अबे फटका लगा दिया इसकी भैंस की, नूबड़ा साल ये ले। अबे ये तो हाथ में नहीं आ रहा, ये अबे ये तो भाई साहब ये तो सील से ही दूर भागे जा रहा है। अच्छा चलो मर गया। और वो पिलेजर कहाँ भाग गए भैया, ये तो गायब से हो गए भाई अचानक से। अबे क्या मिस्टर इंडिया थे जो गायब हो गए, अबे किधर गए भाई, ये तो सीरियसली में गायब हो गए भाई। अबे भूत भूत तो नहीं आ गया मेरे एमसीपी में। खैर भाई साहब इतना कुछ सामान लिया है मैंने अपना घर बनाने के लिए, और ये नॉर्मल स्टोन को भाई मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ वो वाले स्टोन में, मतलब स्मूथ स्टोन में।
उसके बाद घर बनाना स्टार्ट करते हैं यार। अब भैया मेरे को पड़ गई कोल की कमी, तो मेरे को आना पड़ा यहाँ पे भाई नीचे अपने केव के अंदर। और भाई साहब यहाँ मेरे को एक दिख चुका था, और ये भाई सबसे पहले ठीक कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे ऊपर चढ़ता हूँ और मैं मिलता हूँ आप लोग कोल तोड़ने के बाद। खैर यहाँ से भाई मेरे को 21-22 जितना भाई कोल मिल गया मेरे को। और ये बच्चा साला, ये भाई बच्चे बहुत ही परेशान करते हैं भाई मेरे को, ये बच्चे निकाल दो। खैर इस बच्चे को तो मैं किल कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे मकड़ा दिख जाता है, तो मकड़े को भी किल करके जैसे ही आगे जाता हूँ ना, तभी रास्ते में ये हड्डी बड्डी मिल जाता है यार। और इससे तो भाई मेरा पुराना पंगा यार, ये भयंकर बहुत ज़्यादा मारता है मेरे को यार, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। अब ये जो ये फटा है ना भैंस की टांग, मैं हाफ हार्ट में आ गया यार। और मैं बेशरम भाई यहाँ पे खाने लग गया, वो भी खुले में। अबे अबे थोड़ा बहुत साइड में गया, और इन ये छोटे छोटे चुलबुलों से मैं थोड़ा बहुत डर गया मैं। ये चुलबुले बुलबुले भाड़ में जाओ तुम सारे मर जाओ। अब मुझे लगता है कि भाई ये थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं, लेकिन अब ये ही देखो भाई, मतलब तुम मेरी चुल देख रहे हो यार, मेरे मतलब हार्ट कितने ज़्यादा कम है, और फिर भी मेरे को ज़ोंबी से फाइट करनी है यार। अब वो फटा और मैं फिर से एक हार्ट में आ गया, मतलब मैं बोलूँ क्या यार। फिर यहाँ से मैं भग गया यार, और अपनी हेल्थ पूरी करके फिर से आ गया यार। अब यहाँ पे भाई चुड़ैले वुड़ैले भाई घूम रही है, क्रीपर व्रीपर फट रहे अपना आप ही। खैर मजाक कर रहा हूँ यार। खैर यहाँ पे भाई मैं थोड़ा बहुत आगे जाता हूँ ना, तभी मुझे कुछ चीज़ दिखती है यार। मुझे एक लिटरली स्पॉनर मिल जाता है, वो भी स्केलेटन का, यानी कि भाई मेरे को बो के और भाई ये एरो की कमी नहीं होगी भाई पूरे जीवन भर की। खैर यहाँ पे एक स्केलेटन को मैं पहल देता हूँ, और यहाँ पे मैं काफ़ी सारी टॉर्चेस वगैरह लगा देता हूँ यार। और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत तोड़ भी लेता हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लगा। इसकी भैंस की टांग, ये टट्टी कहाँ से आ गया यार, ये नीलिया नीलिया कालिया टट्टी, ये साला निकल भाई। इसको किल कर दिया, अब लूटते हैं भाई चेस्ट। खैर उसके बाद भाई यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ, और भाई इतने बहुत मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने स्टोन वगैरह जो है स्मूथ किया, और यहाँ पे भाई बाकी का स्टोन स्मूथ मैं डायरेक्ट घर बनाने लग जाता हूँ यार। ओके तो भाई साहब हमने घर बनाने में कुछ इतनी प्रोग्रेस करी है, और ये बकरा अंदर कहाँ से घुस गया। अबे निकलना भाई, चल भाग बकरे साले भाग जा। और यहाँ पे ये पिंकी पू भी घुस गया, ये क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, पिग। हाँ ये पिग घुस गया, निकल भाई तू यहाँ। भाई क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, निकल साले भाग जा यहाँ से, कहाँ घूम के आ रहा है, भाग जा नहीं फेल दूंगा मैं तेरे को, किल कर दूंगा, भाग जा यहाँ से। ये भाई पता नहीं, अबे ये बकरा फिर से घुस गया ये। अबे वो इसको लगता है ये ले भाई, इसको किल कर दिया, अभी उसकी बारी, तू भी ले भाई। मतलब घर अभी तक बना नहीं और कुर्सी बैठी है पहले ही घुस गए। खैर भाई अभी बाकी का काम पूरा करता हूँ मैं, और छत वगैरह बनाता हूँ मैं। ओके तो भाई सब घर बनाने में और थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो गई, और ये डिजाइन मुझे थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है यार। अभी यहाँ पे भाई ये थोड़ा बहुत डिजाइन ट्राई कर रहा था मैं पोल का, तो ये तो नहीं मैं नहीं लगाने वाला यार, कुछ और ही लगाऊंगा भाई। तुम लोग आगे देखो मैं क्या लगाता हूँ। ओके भाई साहब तो हमारा घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन चुका है यार। ये देखो भाई, मतलब थोड़ी बहुत कमी लग रही है यार मेरे को, छत पे कमी लग रही है थोड़ी बहुत, तो भाई छत को पहले थोड़ी बहुत अच्छा करके आता हूँ मैं। तो छत पे मैंने थोड़ी बहुत लैंटर्न वगैरह लगा दी, और ठीक लग रहा है यार, अब तो ठीक लग रहा है भाई। पहले तो खाली खाली सा लग रहा था, अब ठीक लग रहा है। अब बाकी काम पूरा करते हैं यार, यानी कि डोर वगैरह लगाना। ओके तो भाई ये वाला डिज़ाइन कुछ मार्केट में नहीं आता है, तो मैं दूसरी साइड भी वैसा ही कर दूंगा यार। खैर मेरे को स्टोन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, और मेरे को फिर से माइन करने आना पड़ा यार। तो यहाँ पे भाई मेरे को माइन कर दे करते गोल्ड दिख गया, तो गोल्ड जैसे ही तोड़ा ना, तो मेरे को साइड में भाई ये माइन शाफ्ट दिख जाती है यार। तो चलो माइन शाफ्ट की चेस्ट लूटते हैं। अभी बस मैंने एक चेस्ट लूटी थी, और आगे जाते भाई यहाँ पे मेरे को एक स्पॉनर दिख जाता है यार। तो यहाँ पे मैं भाई ये कोब वेव्स वगैरह तोड़ता हूँ मैं, और यहाँ पे एक लाइट लगा देता हूँ।
आई मीन एक टॉर्च लगा देता हूँ ताकि भाई ये भाई स्पॉन ना हो और ज्यादा। और ये नीला नीला सा क्या? ओबे भाई साहब डायमंड्स। ओरे भाई साहब मेरे को डायमंड मिल गया यार। और ये क्या, एक और स्पॉनर, इसकी भैंस की एक और लाइट लगा। ये तोड़ता हूँ मैं और एक और लाइट लग गई, अब स्पॉन नहीं होंगे यार। तो पहले भाई यहाँ पे ये डायमंड वगैरह तोड़ते हैं। और भाई ये क्या, इसको पहले लूट लेता हूँ यार, ये बेकार की चीज़ें पहले लूटता है यार। और उसके बाद भाई मेन चीज़ लूटता है, ये पहला डायमंड, ये दूसरा डायमंड, ये तीसरा डायमंड, ये चौथा डायमंड और ये पांचवा डायमंड। तो भाई अबे एक और मिल गया। अबे भाई साहब छः छः डायमंड्स, आगे तो नहीं मिलेंगे ना। अबे यार ये लक खराब हो गया तेरे से, लेकिन मेरा लक अच्छा यार, मेरे को छः छः डायमंड मिल गया यार, वो भी एक साथ। तो भाई अबे आगे चेस्ट लूटते हैं यार। खैर भाई साहब तीसरी चेस्ट के पास आते ही भाई यहाँ पे एक जोम्बी मेरे ऊपर अटैक वगैरह कर देता है, हमला कर देता है देसी भाषा में बोलूँ तो। और यहाँ पे इसको नीचे से मैं पेलना चाह रहा था और ये खत्म, ये गया। अब एक फटका और, हाँ अभी गया, अभी चेस्ट लूटते हैं। उसके बाद मैं और चेस्ट ढूंढ रहा था, तभी भाई वहाँ पे एक बुढ़िया मिल गई जो कि मेरे ऊपर बोतलें फेंक के मारने लग गई यार। बेशरम औरत साला, ये देखो भाई दारू की बोतलें फेंक रही मेरे पे। ये इसकी भैंस के इसको पेलना पड़ेगा लगता है, पहले खाना वाना खा लेता हूँ। और इसकी भैंस अभी ये कहाँ अटक रहा है, इसको तोड़ने दे, उसके बाद देखता हूँ मैं। ये इसकी भैंस की, ये मर जा। अच्छा भाई मर गई साली नूबड़ी, भाई बेशरम औरत भाई बोतलें फेंक रही मेरे पे। तो भाई साहब यहाँ पे एक आगे एक और चेस्ट अलग सी दिख क्यों रही है भाई। अबे भाई साहब एक और स्केलेटन स्पॉनर, अब इसको फंसाना पड़ेगा यार यहाँ पे, वरना ये भाई मेरी लंका लगाने के, ये फंस गए। अब इनको पहलता हूँ मैं, ये लो तुम्हारी भैंस के तुम्हारी। अबे ये भाई, ये तो भाई इसको कुछ ज्यादा ही, मतलब ये देखो ज्यादा ही चुल मच रही है इन लोगों को भाई। ये मतलब खिड़की पे दिखते ही भाई फटके मार दे रहे हैं यार। इनकी भैंस के टांग एक चला गया, अभी ये लास्ट वाला बचा है। ये ले तू मर जा नूबड़े मर जा, एक और खा। अच्छा मर गया भाई। अब भैया यहाँ पे टोर्चे तो लगी पड़ी है, अब लूटते भैया चेस्टे। फिर उसके बाद ऊपर आके मैं अपना आयरन वगैरह स्मेल्ट में लगा दिया। और ये देखो गाइस डायमंड, आपने तो अपनी सर्वाइवल हार्ड सीरीज में कभी देखा नहीं होगा। इमोशनल डैमेज। खैर भाई मजाक कर रहे थे यार, दिल पे मत लेना। खैर उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने मिनी डेजर्ट में यार, क्योंकि भाई ये देखो यार, ये भाई ये डेजर्ट ना ये शुरू होते ही खत्म हो जाता है भाई, तो मैंने इसका ना मिनी डेजर्ट लग दिया। अब मैं यहाँ पे सैंड कलेक्ट करने आया था क्योंकि भाई मेरे को ग्लास बनाना है और ग्लास तो सैंड से ही बनता है। तो भाई सबसे पहले सैंड कलेक्ट कर लेते हैं यार। और उसके बाद अपने घर पे आके सैंड स्मेल्ट करने लग गया। और उसके बाद यहाँ पे भाई मैं यूट्यूब में देख के एक जुगाड़ लगाने लग गया यार, मतलब वो जुगाड़ तो एक बटन के लिए था, लेकिन मैं यहाँ पे भाई प्रेशर पेट वगैरह भी लगाना चाहता था। तो वो क्या होता है भाई मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा यार, उससे पहले भाई यहाँ पे मैं कुछ बनाने लग जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे भाई हादसा हो जाता है यार। अब सर्वाइवल सीरीज में भी हादसे हो रहे हैं, ये देखो। भाई यहाँ पे मेरे जो मोड लगा रखा था ना, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिखता है एक्सपेक्टेड वर्ल्ड और मेरी फटके चार हो जाती भाई, मुझे लगा भाई मेरी सर्वाइवल सीरीज गई। और इससे जस्ट पहले भाई मैंने एक पोस्ट डाली थी कि भाई लोडिंग हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज ऐसा कुछ करके, तो मतलब वो स्टोरी हटानी पड़ेगी मेरे को। फिर उसके बाद जैसे एक्सपेक्टेड वर्ल्ड पे दबाता हूँ ना भाई, तभी भाई यहाँ पे मैं स्पॉन हो जाता हूँ यार, ये देखो। और ये साला क्रीपर फास्ट में आके फिर से फट जाता है यार, मुझे लगा मैं वर्ल्ड को एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, लेकिन ये तो क्या, मैं तो जिंदा हूँ भाई, बॉडी बॉडी तो मेरी सही सलामत है यार, मैं फिर से रिस्पॉन हो गया। तो ये तो भाई गजब ही हो गया यार। अब ये भैंस की टांग, ये फिर से भाई ये कवर करना पड़ेगा, क्रीपर की भैंस की टांग ये भैंस कर कवर करो यार सबसे पहले। तो फाइनली भाई ये कवर हो चुका है यार, ये क्रीपर मेरा दिमाग खराब कर देते हैं यार। और ये अबे यार मेरी पेंट भी जल गई यार, ये भाई क्रीपर पेंट लेके डूब गए मेरी। और ये दरवाजे भी अलग से चले गए यार, अब यहाँ पे मेरे पास रेड स्टोन भी नहीं है भाई, रेड स्टोन भी लेने जाना पड़ेगा यार, ये तो दिमाग खराब हो गया इन लोगों की वजह से। तो ये क्रीपर भी ऊपर और ज्यादा ना कूद जाए, उससे पहले भाई मेरे को यहाँ पे खिड़कियाँ लगा देनी चाहिए यार। तो फाइनली भाई साहब हमारा घर बन चुका है यार। और ये देखो भाई मैं इसकी बात कर रहा था यार, ये रेडस्टोन कंपैक्टर, मतलब एक बटन दबाते ही भाई दोनों गेट खुल जाते हैं यार। और फाइनली भाई हमारा घर बन चुका है। और ये दूसरा वाला गेट भी देख लो यार, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही बना है जैसे पहले वाला गेट बना था यार।
ये बैक साइड का गेट है और ये फ्रंट साइड का गेट। और भाई मैं घर की डेकोरेशन वगैरह भाई नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि भाई मैं थक गया यार, मैं पक गया भाई बिल्कुल। ये 6 दिन लगे मेरे को ये सर्वाइवल सीरीज बनाने में, क्योंकि 2 दिन ऐसे ही गवा दिए मैंने भाई, इधर उधर चला गया था मैं तो बना मतलब काम वगैरह नहीं कर पाया यार। खैर भाई ये घर वगैरह कैसा लगा मेरे को कॉमेंट करके बता देना, और केवी बनाई तो केवी कैसे लगे मेरे को कॉमेंट करके बता देना। और भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल मुझे सब्सक्राइब कर देना, और हाँ 175 लाइक कर देना यार इस वीडियो में, वरना मैं दूसरा एपिसोड नहीं डालूंगा। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं वार्निंग दे रहा हूँ यार।